आज आपको जबरदस्त तरीका से और एकदम न्यू ट्रिक से मछली बनाना बताएंगे, वो भी एकदम टेस्टी। बने रहे हमारे वीडियो में। मछली का क्या नाम है मुझे नहीं पता। मछली का चोइटा पहले अच्छे से छोड़ा ले। ये देखिए, इसका मछली का चोइटा छोड़ाया हुआ है। तो हमारा मछली यहाँ पे धुल कर रेडी हो चुका है। हमने धोते समय इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था। नमक ऐड करके फिर धुलाई किया है, तब जाके मछली अच्छे से धुला है। आप भी धुलाई करते समय मछली में थोड़ा नमक डाल लें, ताकि सफ़ा से इसका गंध निकल जाए और सफ़ा अच्छे से धुल जाए। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने डाल दिया हल्दी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से नमक। उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसे करेंगे फ्राई। यहाँ पे हमने कढ़ाई पे तेल ऐड किया है, अब मछली फ्राई होगा। एक साइड का हिस्सा पक चुका है, अब हम मछली को दूसरे साइड पकाएंगे। फाइनली गाइस, ये मछली हो चुका है फ्राई। अब इसे हम निकालेंगे वरना जल जाएगा। मछली अब हो गया। इसी तरह से हम सारे मछली को फ्राई करेंगे, उसको सबको इसी तरह फ्राई करेंगे। तो फाइनली हमारा मछली फ्राई हो चुका है। ये देख लीजिए, जब आप मछली फ्राई करें तो कुछ इस तरह से फ्राई करें अच्छे से। उस मेन मसाला बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने छीला है इतना, लहसुन छील लें और उसके बाद में सरसों ले लें और एक काली मिर्च और अथी जीरा, इसको हम अब पीसेंगे ये सिलपट्टा पे। पहले हम लहसुन को पीसेंगे। सिलपट्टा पे मसाला पीसने से स्वाद ही कुछ अलग आ जाता है। मिक्सी का एक कभी भी इसका कंपेयर नहीं कर पाएगा। आपके घर में अगर सिलपट्टा ना हो तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो फाइनली हमारा पेस्ट, लहसुन का पेस्ट बन चुका है। ये देख लीजिए, ये देखिए पेस्ट बन चुका है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे काली मिर्च और जीरा का। जब आप मसाले पीसते हो सिलपट्टा पे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पीसे, वरना सूखा सूखा नहीं पिसेगा। और ये देखिए जीरा और काली मिर्च का पेस्ट यहाँ बनकर रेडी हो चुका है। मिक्स कर देंगे। अगर आप ग्रेनेट कीजिएगा तो आप सरसों अलग पीस कर लहसुन और काली मिर्च और जीरा का एक साथ पीस सकते। अब हमारा पेस्ट बनेगा सरसों का, पीला सरसों का, जो मछली का सबसे मेन है। मछली का सबसे मेन मसाला है सरसों, पीला सरसों। तो फाइनली यहाँ पे सरसों का पेस्ट बन चुका है। अब हम उसी के साथ
मिक्स करेंगे, जो काला जीरा, जीरा को हमने और लहसुन का पेस्ट के साथ मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मछली का मसाला हो चुका है रेडी, आप देख सकते हैं। तो हल्दी हमारा पिसा हुआ था, तो हम इसमें थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे, और उसके बाद लाल मिर्च का गुड़ा भी हमारे पास है पिसा हुआ था, हम इसमें थोड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 चम्मच। यहाँ पे कढ़ाई गरम है, इसमें हम थोड़ा सरसों ऐड करेंगे, गोटा सरसों। अब ये मसाले को इसमें डालेंगे अच्छे से। अब इस मसाला को में हम ऐड करेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार आप डालें। अब 10 मिनट तक इसे अच्छे से पकाएं। तो फाइनली गाइस 10 मिनट तक पक चुका है। अब इसमें हम 2 कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, बाद दो टमाटर हमने कट करके इसमें ऐड किए हैं। अब इसका कलर कुछ इस तरह से अभी हो चुका है, हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसे 5 मिनट तक हम पकाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो ये ग्रेवी अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालें। यहाँ पे पानी ऐड हो चुका है, अब इसे 5-7 मिनट तक और इसे पकाएंगे उसके बाद। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ग्रेवी हो चुका है रेडी, अब हम इसमें डालेंगे मछली को भी, हो दोनों एक ही है, इसको डालेंगे जो फ्राई किया हुआ, इसको हमने इसमें डाल दिए। 2-3 मिनट बाद इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता, देखिए क्या जबरदस्त इसका कलर बन चुका है। तो ये 2-3 मिनट अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम डालेंगे धनिया, हरा धनिया, धनिया पत्ता, इसको अच्छे से डाल दें, गैस बंद कर दें, और उसके बाद आपका मछली बनकर रेडी। धनिया डालने के बाद में हमारा मछली हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारा हाथ जला है मेरा, प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।